नमस्कार दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है और आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर उससे भी कॉमन होता है। लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में फुल नॉलेज है, कितने अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, वॉक्स होती हैं, रन्स होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। जब प्रोस्टेट कैंसर लोकलाइज्ड है, मतलब कि प्रोस्टेट के अंदर ही है और कहीं फैला नहीं है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि उसको प्रोस्टेट को बॉडी से बाहर निकाल दो, ताकि प्रोस्टेट के साथ साथ कैंसर भी बाहर निकल जाए। प्रोस्टेट का काम बेसिकली यंग एज में सीमेन फ्लूइड को नरिशमेंट देना है। 50 साल के बाद प्रोस्टेट का कोई काम नहीं है, तो अगर प्रोस्टेट में कैंसर होए तो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको पूरा निकाल के सर्जरी करके और पेशेंट को कैंसर फ्री करो। कैंसरस प्रोस्टेट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ओपन सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और रोबोटिक सर्जरी होती है। आज से 40 साल पहले ओपन सर्जरी होती थी, थोड़े सालों के बाद उसमें प्रॉब्लम थी तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, और अब आजकल लेटेस्ट जो है वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से, आज आपको ओपन सर्जरी वर्सेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वर्सेस रोबोटिक सर्जरी के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। देखिए, ओपन सर्जरी में क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे को प्रोस्टेट तक पहुँचना है, तो ओपन सर्जरी में एक बड़ा सा कट लगाते हैं पेट में, तो बड़ा कट होता है, बड़े कट की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से सर्जरी के बाद पेन ज़्यादा होती है। जब हम सर्जरी करके अंदर जाते हैं, तो अंदर जाके जब प्रोस्टेट को बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसके बाद जब प्रोस्टेट को निकाल चुके होते हैं, तो ब्लैडर और यूरेथ्रा के एनास्टमोसिस को जो सूचरिंग करते हैं, वो ओपन सर्जरी से हाथ से बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो पेल्विस होता है जहाँ पे प्रोस्टेट होता है वो बहुत नैरो है, और हाथ बड़े होते हैं तो वो अंदर अच्छी तरह रोटेट नहीं कर पाते, उसे सूचरिंग इतनी परफेक्टली नहीं होती, तो ओपन सर्जरी में सूचरिंग डिफिकल्ट है। जब सूचरिंग डिफिकल्ट होगी तो यूरिन लीकेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ओपन सर्जरी करते हैं तो उसमें करीब 1 से 2 लीटर ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है। सर्जरी के बाद थोड़े दिन के लिए आईसीयू में रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में 7 से 10 दिन तक रुकना पड़ता है, और नॉर्मल काम पे जाने के लिए उनको कम से कम 1 महीना लग जाता है। तो ओपन सर्जरी में काफ़ी ब्लीडिंग भी थी और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी थी, और रिकवरी भी बहुत डिलेड थी, इसलिए ओपन सर्जरी लोगों ने करनी बंद कर दी। ओपन सर्जरी के नेक्स्ट आई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जब हम गॉल ब्लैडर की करते हैं, तो गॉल ब्लैडर तो ऊपर है, सुपरफिशियल है, तो गॉल ब्लैडर में लैप्रोस्कोपिक करना बहुत आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं टांके भी नहीं लगाने होते, कहीं पे सूचिंग भी नहीं करनी होती, कोई डीप जगह नहीं होती। लेकिन प्रोस्टेट जो है वो बिल्कुल डीप पेल्विस में होता है, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि नंबर 1, एक तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये तो अच्छी बात है कि छोटे छोटे होल से सर्जरी होती है, कोई मेजर कट नहीं होता, लेकिन अंदर जाके एक तो उसमें 3D विजन नहीं होती, 2D विजन होती है। 3D और 2D में ये फ़र्क है कि 2D मतलब जैसे आप नॉर्मल मूवी देखते हो तो आपको 2D विजन आती है, लेकिन कई कई स्पेशल मूवीज़ बनती हैं जो 3D मूवीज़ होती हैं, उसमें ऐसा लगता है वो बिल्कुल आपके मुंह के सामने चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अवतार और ये सब कॉमन मूवीज़ आई थी जिसमें 3D मूवी होती थी। तो जब 3D विजन होती है तो विजन बहुत क्लियर है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिर्फ 2D विजन होती है, 3D नहीं होती। दूसरी बात, लैप्रोस्कोपिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो नैरो पेल्विस में जब सूचरिंग करते हैं तो सूचरिंग के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स इतना रोटेट नहीं कर सकते, तो फिर से वही प्रॉब्लम कि अंदर जब ठीक से रोटेट नहीं करेंगे, सूचरिंग ठीक से नहीं होगी, जो यूरेथ्रा और ब्लैडर का एनास्टमोसिस वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता, तो जब यूरेथ्रा और ब्लैडर का एनास्टमोसिस इतना अच्छा नहीं होता तो उसके बाद यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जब यूरिन लीकेज ज़्यादा हो रहा होता है तो फिर पेशेंट की रिकवरी भी डिलेड होती है। तो ओपन सर्जरी के भी ड्रॉबैक्स थे, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के भी ड्रॉबैक्स थे, तो फाइनली जो रिसर्च हुई उसमें रोबोटिक सर्जरी एक डेवलप हुई थी, और रोबोटिक सर्जरी प्रोस्टेट कैंसर के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है, वही छोटे छोटे की होल्स होते हैं जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में होते हैं, लेकिन उसमें 3D विजन होती है, मतलब जो भी हम देखते हैं ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल हमारा मुंह जो है वो पेल्विस के अंदर ही है और हम बिल्कुल पास से देख रहे हैं, तो जब विजन क्लियर होती है उससे हमारी सर्जरी ज़्यादा प्रिसाइस होती है और ब्लीडिंग कम होती है, जो यूरिन कंट्रोल की और इरेक्शंस की नर्व्स हैं वो सारी हम अच्छी तरह बचा सकते हैं। इसके अलावा जो रोबोटिक आर्म्स हैं उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो 360 डिग्रीज मूव करती हैं, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब कि ऐसे ऐसे एंगल्स में वो मूव कर सकते हैं जिसमें नॉर्मल ह्यूमन हैंड भी नहीं मूव कर सकता, उल्टे से सीधा, सीधे से उल्टा, उल्टे से सीधा, किसी भी डायरेक्शन में रोबोटिक आर्म मूव कर सकते हैं। तो ये जो प्रिसाइज सूचरिंग होती है ब्लैडर और यूरेथ्रा की, वो प्रिसाइज सूचरिंग सिर्फ रोबोटिक टेक्नोलॉजी से ही हो सकती है, ओपन सर्जरी से या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से नहीं होती। ये देखिए रोबोटिक ओटी में मेरी पिक्चर, इसमें मैं रोबोटिक कंसोल पे बैठा हुआ हूँ, इस कंसोल में एक तो 3D विजन होती है और
और नीचे जो जॉयस्टिक है उसमें सेंसर्स होते हैं, तो मेरे को जो भी मूवमेंट करनी है मैं ऐसे बैठे हुए रोबोटिक कंसोल में कर सकता हूँ मूवमेंट, और ये सारी मूवमेंट्स ये रोबोटिक आर्म्स में जाती हैं। ये डाविंसी रोबोट है जो प्रोस्टेट के लिए यूज़ होता है, ये पेशेंट के बेड साइड पे है। तो जो भी मूवमेंट्स मैं इस कंसोल में बैठ के करूँगा वही सारी मूवमेंट्स इस रोबोटिक आर्म्स की होंगी और उससे हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ जिससे कि सर्जरी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर अगर लोकलाइज्ड है तो उसके लिए रोबोटिक सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट है। और रोबोटिक सर्जरी आप समझ लीजिए कि एक टेक्नोलॉजी है। अगर आपको इंडिया से अमेरिका एरोप्लेन में जाना है और आपने सुना है कि एरोप्लेन से जाना बेस्ट तरीका है, और आप किसी भी एरोप्लेन में बैठ जाएं जिसमें जो पायलट है वो एक्सपीरियंस ना है, तो आपका एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से अमेरिका पहुँच पाओगे। वैसे ही ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी रोबोट हो या वहीं पर जाकर सर्जरी करा लें। आपको रोबोटिक सर्जरी वहीं पर करानी चाहिए, उसी डॉक्टर से करानी चाहिए जो रोबोटिक सर्जरी में एक्सपर्ट हुए। मैंने 2008 से लेकर 2011 तक यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी यूएस में स्पेशलाइज रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें मैंने 2000 से भी ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज करी थी, और अभी भी मैं इंडिया आके पिछले 10-11 साल से रेगुलरली रोबोटिक सर्जरीज कर रहा हूँ। मेरे जैसा स्पेशलाइज प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जन इंडिया में और शायद ही कोई होएगा। तो अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर है और आप उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपको एक स्पेशलाइज प्रोस्टेट कैंसर डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है और आप उसके लिए मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।